एक, दो, तीन, चार, पांच, तैयार रहो, मैं आ रही हूं। तुमने प्रिवलोव के नौकरों से पूछताछ की? हाँ, टांगियावाला और नौकरानी कह रहे थे कि उन्होंने एक प्राणी देखा भेड़िया के सिर के साथ, और उसकी एक पूंछ भी थी, और वो ये भी कह रहे थे कि वो इंसानों की तरह दो पैरों पर चल रहा था। इंसानों की तरह चलना कैसे पॉसिबल एंटोन? मुझे नहीं पता, उन्होंने जो कहा वो मैंने बताया। मुझे ये बताओ कि आखिर एक भेड़िया उनकी बेडरूम की खिड़की तक कैसे पहुंच गया, और वो भी दूसरी मंजिल पर, और किसी को ये बात पता भी नहीं चली एंटोन? उसके कोई पंख तो नहीं लगे थे ना? हाँ, सही कहा, भेड़िया मानो उड़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो एक इंसान था दो पैरों और दो हाथों के साथ, और उसे ये पता था कि उनका बेडरूम किस मंजिल पर और कहाँ है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले भी प्रिवालोव्स के घर पे आ चुका था। ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे ये जगह बताई हो, जैसे कि निकिशिन ने, वो शक के दायरे में है। इसका क्या मतलब हो सकता है? वो क्लर्क मर चुका है, निकिशिन हमारी गिरफ्त में है, तो कोई और हो सकता है जो निकिशिन की मदद कर रहा हो। एंटोन, हो सकता है कि प्रिवालोव को इनके बारे में कुछ पता चल गया और इन्होंने उसे मरवा दिया। हाँ, ऐसा हो सकता है। वो क्लर्क वेशकिन, मैनेजर निशिकिन, और कोई ऐसा जिस पे इल्जाम लगा है, वो भेड़िया मानो। एंटोन, पर तुम इसे साबित कैसे करोगे अगर अपराधी पैसों के पीछे था और पैसे मिलते ही वो यहाँ से गायब हो जाता है? जी जरूर, और वैसे भी ये सब करके उस अपराधी के लिए ये काम और ज्यादा मुश्किल हो जाता। ऑफिसर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मिस्टर स्टॉलमैन, उन्हें आने दीजिए। एंटोन अंद्रेविच, छानबीन शुरू करो, शायद कुछ मिल जाए। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे अंदर जाना है। किस लिए? बस जाना है, मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। गुड मॉर्निंग। इरीना की आत्मा, आओ आओ, इरीना की आत्मा आओ। कियान कुजमिज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या आप घर के सब लोगों को जानती हैं? जी जानती हूं, मैं यहां 3 सालों से काम कर रही हूं। इस घर में अक्सर कौन आता रहता है?
बताओ, जल्दी बताओ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मैं बताता हूँ, गोलोशकिन मालिक को उसके साथ शिकार करना पसंद था। सही कहा, वो शिकारी। शिकारी? हाँ, शिकार उसकी रोजी रोटी है। वो जानवरों को मारकर उनका मांस मांस और उनकी चमड़ी बेचता है। निकिशिन उसका करीबी दोस्त है, उसे पता होगा कि वो कहाँ रहता है। तुम ठीक हो ना? मैंने देखा एक बड़ा सा विशाल सा पंजा शरीर में खुरता हुआ। देखो है ना, इस बात का कोई तर्क नहीं कि जहाँ पर आत्मा होती है वहाँ पर भेड़िया मानव भी हो। कहानियाँ ऐसी ही नहीं बनती हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हत्याएं एक आदमी ने की हो और वो कहानी का सहारा लेकर सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है ताकि वो आसानी से बच सके। हाँ, ऐसा हो सकता है, पर ये इंसान शायद बीमार है और उसका कारण है कि जानवर ने उसे काटा है। इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन थ्रोपिया, इस बीमारी में जब कोई जानवर किसी इंसान को काटता है तो वो खुद को जानवर समझता है। बड़ी अजीब बात है। अगर ऐसी कोई बीमारी होती तो डॉक्टर मिल्स को जरूर पता होता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जाकर उनसे फिर से बात करनी चाहिए। एना, इस वक्त यही सही रहेगा। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? एना, हम लोगों को सुलह कर लेनी चाहिए। अपने भेड़िया से सुलह कर लो। एना विक्टोरिया, क्या ये सच है कि तुम मेरी वजह से यहाँ पर रुक गई हो? क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुक जाओ और तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो एक दूसरे से अब तक मिले नहीं है? मेरे मुताबिक तो नहीं है। तुमने ये कैसे किया? मेरे अचानक जाने से वो दोनों जरूर चौंक गए होंगे, या फिर हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को टाल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। वो सिर्फ शहर में रुकी ही नहीं बल्कि वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ये सच में अच्छा हुआ, ये सुधार हुआ है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाई। हाँ, हमें उसका तोहफा चाहिए। मुझे यकीन है कि वो जल्दी हमारे काम जरूर आएगा। तुम्हें तो पता है कि इस रहस्यमय तोहफे के बारे में मुझे क्या लगता है, लेकिन हम देख लेंगे। तुम्हें भेड़िया मानो से डर नहीं लगता क्या? अब हम यहाँ पर चल रहे हैं। मैं भेड़िया मानो पर विश्वास नहीं करती। ये अच्छा नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। होशियार रहना जिदौर। एक निशान, पैर का निशान। क्या जंगल में कोई आदमी रह सकता है? तुम्हें क्या लगता है? ये देखो, एक पैर का निशान। यागो ब्लाटून वेच इस बात को मंजूरी नहीं देंगे कि तुम यहाँ दोबारा आओ। डॉक्टर, हम उन्हें नहीं बताएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे किसी प्लान में शामिल कर रही हो। तो ये दूसरी हत्या के बारे में है। हाँ।
लगता है उसी तरह हत्या हुई है। कुछ गहरे घाव, कुछ पंजों के निशान। मुझे लगता है कि उसी ने ये किया है। वो इंसान या फिर वो कोई जानवर था? मुझे तकरीबन यकीन है कि वो एक दरिंदा था। याको को भी ऐसी ही शंका है। मुझे समझ में आ रहा है, शायद एक आदमी है जो भेड़िया में तब्दील हो जा रहा है। मैं एक डॉक्टर हूँ और वैज्ञानिक तौर पर। डॉक्टर आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा मतलब है लिकेंथ्रोपिया। एक इंसान जिसको भेड़िया ने काट लिया हो, जिसे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो खुद एक भेड़िया है। लिकेंथ्रोपिया एक काल्पनिक बीमारी है। अच्छा, वैसे मेरे पास एक पेशेंट था जिसे 6 हफ्ते पहले एक भेड़िये ने काट लिया था। वो बहुत गुस्सेल था, बेहोश होता था और उसे हेलुसिनेशंस भी हुआ करते थे। तो वो 40 कदम दूर से भी दारू को सूंघ लेता और मैंने उसे पीने से मना किया था। डॉक्टर प्लीज सुनिए ना, मुझे बता दीजिए कि वो कौन था। आपके पास कोई ना कोई रिकॉर्ड तो जरूर होगा। हाँ शायद है। मकार। हेलो मकार, क्या पूरी रात तुम यहीं पर रुके थे? यरमुला अलेक्सेविच, हाँ मैं यहीं था, पी रहा था। देखो मेरे पास शराब बहुत थी तो मुझे रात भर रुकना पड़ा। क्या तुम नंगे पैर चल रहे थे? मैंने पैरों के निशान देखे, वो किसके निशान हो सकते हैं? वो क्या है कि यरमुला, मेरा बूट बहुत टाइट है बूट मेरा, तो बूट तो हो जाता है। खैर तुम्हें ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। हाँ अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। चलो जेदार, अलविदा। हाँ अलविदा। मैं उसे प्यार करता था, वो भी दिल से। वो भी मुझसे प्यार करती थी। शायद वो तड़प रही थी, प्रार्थना कर रही थी गलतियों के लिए। क्लर्क को पता चल गया और तुमने उसे मारने का फैसला लिया। मैंने उसकी जान नहीं ली। हाँ मैंने पब में उसे मारा जरूर था, मैं ये स्वीकार करता हूं। उसने मुझसे पैसे मांगे थे ताकि वो हमारी शिकायत प्रिवालोव से ना कर सके। और ये वजह तुम्हारे लिए काफी थी कि तुम उस आदमी की हत्या कर सको? उस रात मैं एरिना के साथ तबेले में था। उस वक्त वो मुझसे कह रही थी कि वो एक पापी है। मेरी एरिना। किस कमीने ने तुम्हारी जान ले ली एरिना? हो सकता है कि तुम्हारे साथी को इस बात का डर हो कि एरिना उसकी पोल खोल सकती है। कौन सा साथी? ग्लोशकिन तो नहीं? सही कहा, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। मैंने उस दिन बताया था ना कि मेरे दोस्त प्रिवालोव ने भेड़िया मानव पर इनाम रखा है। उसने कल उसे गोली मारने का वादा किया था, पर शायद वो नाकामयाब हो गया। क्या तुम्हारा दोस्त एक अच्छा शिकारी है? हाँ बहुत अच्छा शिकारी है। उसके शिकार की तमाम कहानियां हैं। उसने मुझसे कहा था कि एक दिन उसे एक भेड़िये ने काट लिया था, फिर उसके बाद उसके सूंघने और सुनने की क्षमता काफी बढ़ गई थी। उसके पास काफी ताकत आ गई है। तुम जानते हो कि वो कहां रहता है? मुझे पता है वो कहां रहता है। उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मैं वहां आसानी से पहुंच जाऊंगा। इकोन,
तिखोन, तिखोन दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोल रहा है। तिखोन, तिखोन, दरवाजा खोलो तिखोन। हरमजादे दरवाजा खोल। तिखोन, तिखोन, तिखोन दरवाजा खोल जल्दी। गुड मॉर्निंग। हेलो, मैं डॉक्टर मिल्स की तरफ से आई हूँ पेशेंट गुलशोकिन से मिलने। और आप कौन हैं? उसकी बीवी। वो डॉक्टर के पास क्यों आया था? उसे लिकेंथ्रोपिया होने की संभावना है। क्या कहा? लिकेंथ्रोपिया, ये तब होता है जब भेड़िया काटता है। अच्छा, कुछ महीने पहले उसे एक भेड़िए ने पकड़कर काटा था। क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? अभी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक जानवर की तरह तंदुरुस्त है। वो शिकार पर गए हैं। मैं, रुको, कहा ना बात करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। या तो आप ये चाहती हैं कि पुलिस अभी आपको थाने लेकर जाए? प्लीज मत जाओ, रुक जाओ। छोड़ो मुझे। लुकियान कुज़मिच, जो हुआ उसके लिए हमें बेहद अफसोस है। आप सबका शुक्रिया। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए हैं। उस दरिंदे को मार देंगे, मैं खुद मारूंगा उसे। हाँ ठीक है, आप मार देना, पर हम कैसे जानेंगे कि भेड़िया मानो वही है? हम सभी भेड़ियों को मार देंगे, उसमें से कोई ना कोई भेड़िया मानव जरूर होगा। भेड़िया मानव, मैं कांप रही हूँ। ये वो यही काम करता है। ये चीजें उसके लिए ट्रॉफीज के जैसी हैं। मेरे पति को बेइज्जत मत करो, उसने किसी को भी नहीं मारा है। वो कल भी घर पर सो रहा था और आज भी। और ये किस लिए है? अगर किसी ग्राहक को सिर्फ फर चाहिए तो वो पंजा छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। 10 साल पहले एक लड़की जिसका नाम वैसेलिना था, वो। ये चाबी किस ताले की है? मुझे नहीं पता, मेरे पति ने रखा है। बेहतर होगा आप उनसे पूछें। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कौन सा तरीका है? पागल हो गए क्या? इस तरह गोलियां चला रहे हो? ये क्या तरीका है लुकियान कुज़मिच? मुझे छोड़ दो यरमोला यालेस्केविच, मैं किसी भी हालत में उस भेड़िया मानो को नहीं छोड़ूंगा। तो क्या तुम उसको मार दोगे? हाँ हम मार देंगे, तो क्या कर लोगे तुम? या तो हमारे साथ चलो या हमारे रास्ते से हट जाओ। मैं पुलिस के पास जाऊंगा, स्टॉलमैन के पास जाऊंगा। तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम लोग जानवरों से भी बदतर हो। ठीक से तलाशी लेना। एंटोन कुछ मिला क्या? मैंने तो चप्पा चप्पा छान मार लिया, पर हमें प्रिवालोव का पैसा बिल्कुल नहीं मिला। यहाँ तक कि हमने पूरा घर देख लिया। मुझे नहीं लगता कि गोलोशियोकिन ने पैसा यहाँ पर लाया होगा, नहीं तो उसकी बीवी ने कुछ खरीद लिया होता। हो सकता है कि वो अपनी बीवी से छुपा रहा हो। तो फिर उसने पैसे पब में या फिर मदिरा पर खर्च कर दिए होंगे। ये कौन आ रहा है? तुम यहाँ क्यों आए हो? किसने हक दिया तुमको? मिस्टर ग्लोशियोकिन, आप पिछली रात को कहाँ थे? वो ग्लोशियोकिन, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ।
क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या तुम पागल हो? हम डॉक्टर को बुला सकते हैं। गोली मार दूंगा। ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो आप? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। यही है वो। एक महीने पहले ये मेरे पास आया था ये कहकर कि इसे भेड़िये ने काट लिया है और उसके बाद उसे हैलुसिनेशंस और बुखार, पागलपन का दौरा और याददाश्त कमज़ोर होना ये सब शुरू हुआ। सच कहूँ तो मुझे यकीन था कि ये पीने के कारण हो रहा है। इसने एंटोन एंड्रेविच के हाथ को काटा। हम तीन लोग मिलकर इसे काबू कर पाए। इतनी ताकत आई कहाँ से? अगर ये सचमुच भेड़िया मानव हो तो एंटोन एंड्रेविच ये प्रकृति के विरुद्ध जाता है, पूरे विज्ञान के विरुद्ध जाता है। वैसे हमें इसकी जांच करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। कुछ दिनों से तो ये कुछ भी खा नहीं रहे हैं, सिर्फ पी रहे हैं। उस फ्लास्क से दूर ही नहीं हटते। वो फ्लास्क कहाँ है? उसके शिकार के बैग में। जरा वो दिखाना। ये जहर वो कहां से लाता है? क्या पता कहां से आता है। आधा शहर इसके पीने वाले दोस्त हैं। डॉक्टर जरा देखिए कि ये क्या है। देखने से ऐसा लग रहा है कि एक साधारण चोरी के लिए ये बहुत ज्यादा उलझ गया है। डॉक्टर, मुझे डर है कि इसने मुझे इन्फेक्ट कर दिया है, मुझे काट दिया है। किसने? जाहिर है याकोब प्लूटोनोविच ने नहीं, भेड़िया मानव ने। एंडोन एंड्रोविच, कहानियों के मुताबिक भेड़िये मानव लहसुन से ज्यादा डरते हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम लहसुन खाओ, याकोब प्लूटोनोविच को भी ये पसंद आएगा। मैं कल दोबारा आऊंगा इसकी ड्रेसिंग चेंज करने के लिए। मिस्टर सोलमन, जंगल में एक लाश मिली है। ये किस तरह का जानवर हो सकता है? क्या किसी ने नए जानवर को देखा या सुना है? हम क्या सुनेंगे, ये शिकार है। तीन गोलियां चली थी, फिर मैंने एक लाश को यहां देखा। ये घायल भेड़िये का काम है। मैं तुम सबको कोई ऑर्डर तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरी ये सलाह है कि आप सभी लोग अपने घर पर रहें। अंधेरा होने वाला है और कुछ भी घट सकता है। मिखालो, मनोर यहां से कितना दूर रहता है? तकरीबन 2 किलोमीटर। तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा कि यहां से लौट जाओ, जाओ। बिल्कुल नहीं, मुझे उस जानवर को मारना है। एंटोन एंड्रेविच, मैं मिखालोव मनोर के पास जा रहा हूं। तुम एक काम करो, सारे ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दो और होशियार रहना। मैं आपके साथ आ रहा हूं। नहीं, तुम्हें लाश शहर लेकर जानी है। क्या आप जंगल में अकेले जाएंगे? फिक्र मत करो, मेरे पास पिस्तौल है। याकोब प्लूटोनोविच, उसके पास भी हथियार था। जो बोला है वो करो। अंधेरा होने वाला है। मेरी मदद करो, मुझे अंदर आने दो, प्लीज अंदर आने दो। मैं महाराज की मेड ऑफ ऑनर हूँ। ठीक है, आप जाइए, उन्हें जाने दो। Thank you.
सर, एक औरत मदद मांग रही है। क्या हुआ? जंगल में उस पर हमला हुआ है। वो घायल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो उसे उसके मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। एक जानवर ने जंगल में मेरे टांगे का पीछा किया, टांगे वाला भाग गया और मुझे छोड़ कर गया। मुझे यहाँ तक आने के लिए टांगा खुद चलाना पड़ा। मुझे सुबह होने तक घर छोड़कर जाने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है। मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी अगर आपने मुझे यहाँ रहने दिया। शांत हो जाइए प्लीज, पहले आप बैठिए तो सही। कैसा जानवर था जिसने आपका पीछा किया? एक भेड़िया मानव। शुक्रिया टॉम। आपने इस बारे में अब तक सुना कैसे नहीं? आप जंगल के बीचों बीच रहते हैं। ये भेड़िया मानव शहर में चर्चा का विषय बन गया है। आपने सच में सुना नहीं? मैं बता दूं कि मैं शहर से बहुत ही दूर रहता हूं। देखिए, मैं एक साइंटिस्ट हूं और मैं परियों की कहानी पर यकीन नहीं करता। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये कोई कहानी है, जब तक उस कहानी ने मेरा पीछा नहीं किया था। क्या आपने भेड़िया मानव को देखा है? मैंने उसकी चीख सुनी थी और मैंने झाड़ियों में उसकी परछाई भी देखी। कभी कभी वो दो पैरों पर चल रहा था और कभी कभी चार। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा मैं जंगल में जा पाऊंगी। हाँ, लेकिन आप यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि ये नियमों के खिलाफ होगा। हाँ। मैं खुद यहाँ एक मेहमान हूँ। देखिए, अगर आपकी स्थिति गंभीर नहीं होती तो हमारे सैनिक आपको अंदर आने भी नहीं देते। हाँ, प्लीज आप मेरी गंभीर स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज। सुनिए, यहाँ पर इंचार्ज कौन है? लेफ्टिनेंट। कहिए सर। मैं याकोव स्टॉलमैन हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। मिस्टर ब्राउन यहाँ रहते हैं? जी हाँ सर। मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। आइए मेरे साथ चलिए। ओह, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने मेरा परिचय नहीं दिया। नीना आर्क देवना निजिंस किया। मैं रानी की मेड ऑफ ऑनर हूँ। योर मैजेस्टी? जी हाँ, रानी मरिया फ्योदोरोवना की मेड ऑफ ऑनर हूँ मैं। पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अपनी तबीयत सुधारने के लिए छुट्टी पर आई हूँ। समझ गया, इससे कुछ चीजें बदल जाएंगी। आप यहाँ सुबह तक रह सकती हैं खुशी से। थैंक यू। मुझे खुशी होगी आपकी मेहमान नवाजी करके। थैंक यू सो मच। एक पुलिस ऑफिसर आए हुए हैं सर, वो कह रहे हैं कि आप खतरे में हैं। खतरे में? हाँ। ठीक है, उन्हें भेजो। याकोव प्लाटोनोविच। हेलो, मैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का हेड हूं और मेरा नाम है याकोव प्लाटोनोविच स्टॉलमैन। आप यहां कैसे? गॉर्डन ब्राउन, आपके यहां आने की वजह जान सकता हूं? मुझे आपको आगाह करना है कि पिछले दो दिनों में आपके इस एरिया के आसपास 3 हत्याएं हुई हैं। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाएं और ना ही जंगल में जाएं। चेतावनी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपने देखा होगा मेरे सैनिक काफी काबिल हैं और होशियार भी। वैसे एक बात बता दूं, मैं आपका काफी शुक्रगुजार रहूंगा अगर आप मेरी मेहमान मिस निजिंस्किया को शहर तक छोड़ दें। ऐसे पहरेदार के साथ मैं महफूज रहूंगी।
थैंक यू सो मच। चले मिस निजिंस क्या? आओ वैसेलिना की आत्मा आओ, आओ वैसेलिना की आत्मा आओ, मुझे अपने मालिक का नाम बताओ। यहाँ पर कोई भेड़िया मानो नहीं रहता। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। क्या उसने तुम्हें मिस्टर ब्राउन के घर पर जाने के लिए मजबूर कर दिया? इस एरिया में ये इकलौता घर है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अगर मैं कहूँ कि नहीं है तो? रफ्तार बढ़ाओ। आसपास कोई जानवर होगा तो घोड़े को महसूस हो जाएगा और उसकी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ने लग जाएगी। मैं कांप रही हूँ, ये डर के मारे है या तुम सच में कितने बहादुर हो? क्या उसे कोई मार सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक भेड़िया मानव को कोई साधारण इंसान मार सकता है। आखिर एक अनुभवी शिकारी था वो, और उसके पास एक से बढ़कर एक हथियार भी थे। आर्किप के नाम पर चीयर्स। हाँ चीयर्स चीयर्स। तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं उसके साथ जाता हूँ, उसे जरूरत पड़ सकती है। गोलोशियोकिन के फ्लास की जांच करने के बाद मुझे शराब के साथ साथ और भी पदार्थ मिला है। किस तरह का पदार्थ मिला है? मुझे अब तक पता नहीं है। तो क्या भेड़िया मानव पर विश्वास करते हो? लेकिन थोरोपिया, प्रिवोलोव और यारमोले के शरीर के घावों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि उस जानवर के सभी दांत हैं, लेकिन उसने एक दांत खो दिया है। और शायद रातों रात वो दोबारा उग गया होगा। शायद हत्यारे ने वैक्स की मूर्ति बनाई हो भेड़िये के मुंह की, और उसका इस्तेमाल वो एक हथियार की तरह कर रहा है। तीखन, क्या ये तुम थे? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? हाँ, मुझे लगा कि वो था।
भेड़िया मानव। हाँ भेड़िया मानव तो है ही। याकोब प्लाटोनोविच, ये उसी तरह का है ना? यहां पर ये तो वही पदार्थ है जो उस दिन हमें घर पर मिला था, जिसे डॉक्टर मिल्ड्स पहचान नहीं पाए थे। याकोब प्लाटोनोविच, जरा ये देखिए, ये वही चीज है जो सब ढूंढ रहे थे। हम एक काम करेंगे, इस डिजाइन का औजार ढूंढना है। मेरे हिसाब से टिकोन के पास होगा, वो वापस आ जाएगा, उसने अपना सामान पैक कर दिया है। लेकिन पता नहीं उसे घासलेट की जरूरत किस लिए है। वो इस घर को जलाकर सारे सबूत मिटाना चाहता है। वो किसी और को मारने की प्लानिंग में है, और हो सकता है कि इस वक्त वो उसके बहुत करीब पहुंच गया हो। एना विक्टोरोना, क्या आत्माओं ने तुम्हें बताया कि हम यहाँ पर स्टेशन पर? हवलदारों ने बताया कहानी की वो लड़की वैसेलिना, जिसने 10 साल पहले अपने आप को फांसी लगा ली थी, वो प्रिवालोव के वहाँ काम करती थी, वही था जिसने उसे तबाह किया था। क्या टिकोन वो लड़का हो सकता है जो कहानी में है, जिससे मालिक को सजा देनी हो? टिकोन कौन? वो लोहार है। मैं जानती हूँ उन्हें कहाँ ढूंढना है। चाकू फेंक दो टिकोन, उससे दूर हो जाओ, सब कुछ खत्म हो गया है। मिस्टर स्टॉलमैन, मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन पहले इसे इसके पापों को कबूल करने दो। ये सच है, मैंने उस पर जबरदस्ती की थी, पर मैं नहीं चाहता था कि वो मर जाए, नहीं चाहता था। क्या टिकोन जानता था कि तुम्हें भेड़िये ने काटा है? हाँ, उसे पता है। पर कैसे? क्या तुमने उसे बताया था? शायद मैंने पीते हुए बताया। मैंने कहा था कि आधे शहर में उसके पीने वाले दोस्त हैं। तुम चुप हो जाओ। तुम उस रात टिकोन के पास थे जब क्लर्क की हत्या हुई थी? हाँ मैं था। पर क्या उस रात तुम पब में भी गए थे? वो हमने पब में पीना शुरू कर दिया था। वो रात भर यहाँ वहाँ भटक रहा था और घर भी सो। मैंने कहा तुम चुप हो जाओ। जिस रात को प्रिवलोव की हत्या हुई थी, तुम में से कोई भी टिकोन के साथ पी रहा था? शराब बहुत ही तेज थी। वो कभी भी उस फ्लास्क से दूर नहीं हटता, और जब भी उसे शराब पीता था, लगता था भूत उस पर हावी हो गया। ऐसा लगता था कि मेरे दोनों हाथों पर भेड़िए के बाल उग रहे हो, और हाँ पंजे आ रहे थे। ऐसा हो सकता है कि मशरूम में मसिमोल हो, जिससे हेलुसिनेशंस हो रहे हो। क्या इसे टिकोन भी पीता था?
सच बताना। हाँ शायद पता है। शायद वो पीने का नाटक करता हो। तुम्हें याद है कि तुमने उसे कहाँ पर छोड़ा था? मुझे कुछ याद नहीं। मैं तो हमेशा जंगल में बनी हुई हमारी उस झोपड़ी में लौट जाता था। इसका मतलब हुआ टिकोन ने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम एक भेड़िया मानव हो और तुमने यकीन कर लिया। क्लर्क ने वो चाबी बनाने के लिए नहीं कहा था बल्कि इरीना प्रिवलोव चाहती थी। पर प्रिवलोवा की बीवी को उसकी तिजोरी की चाबी क्यों चाहिए थी? ये तो खुद से ही चुराना हो गया। वजह यह है कि वो निकिशन के साथ भागने वाली थी और इस बारे में तुम्हें मिस्टर ग्लोशकिन से पता चला था और तुमने निकिशन को फंसाने के लिए उनके पास पैसे रख दिए थे। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए थे क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर एक भयंकर प्लान चल रहा था। तुम प्रिवलोव से उसका सब कुछ छीनना चाहते थे। तुमने क्लर्क की हत्या क्योंकि उसने मुझे पहचान लिया था। वो बहुत लालची था, मेरे रास्ते में आ सकता था, इसीलिए मारा। तुमने इरीना प्रिवलोवा को क्यों मारा बताओ? वो एक नंबर की कमीनी थी। बैठ जाओ। मैं चाहता था कि वह तबाह हो जाए और उसे भी दूसरे की तकलीफ का एहसास हो। जब किसी इंसान पर बीतती है ना, तब उसकी आंखें खुलती हैं। तुमने उनसे बदला तो लिया लेकिन शिकारी क्यों, ये बताओ? जंगल में मुझे वो अकेला मिला था और उस वक्त मेरे पास मेरे सारे हथियार थे। वो समझ गया था और कोई चारा नहीं था। प्रिवलोवा के पैसे कहाँ हैं बताओ? ये सवाल बेकार है, मैंने सभी चर्च में दे दिया। चर्च को? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरी वैसेलिना की आत्मा को शांति मिले। गेट पर कुछ लोग आए हैं, वो नारिश से आए हैं। आपको बाहर नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात माननी चाहिए। तुम कहना चाहते हो मैं भीड़ से डरता हूं? तुम लोग हरामजादे, तुम लोग बस अपना अंगूठा हिलाना चाहते हैं। तुम हरामजादो, मुझे तुम्हें मारना चाहिए था। लुकियान कुछमिच कुछ लोग आए हैं। बिना मेरी इजाजत कौन आया है? You are under arrest, Mr. Privilov. वैसेलिना सबुटीना का फायदा उठाने और उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने के लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैंने किसी को नहीं मारा है, उसने खुद को मारा था। इस बात को 10 साल हो गए हैं। मिस्टर प्रिवलोव, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास गवाह मौजूद हैं। ये किस तरह का बयान है जब मेरे गले पर चाकू रखा हो? यहाँ पर दूसरे गवाह भी मौजूद हैं। जो कुछ भी हुआ था उन्हें वो सब कुछ याद है, वो भी लिखित में। गवाह ने उस पर साइन भी किए हैं। अब तुम्हारे पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। चुपचाप चलो हमारे साथ, गिरफ्तार करो। प्रिवलोव को अरेस्ट कर लिया गया है। तुम मुझे ये बताने आया हो? एना, मुझे माफ करना अगर मैंने यहाँ पर आकर तुम्हें परेशान किया हो तो, पर मुझे लगा कि तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए क्योंकि तुमने वैसेलिना वाले केस में बहुत हेल्प की। तुम्हारे लिए ये मजाक है ना? कभी कभी मुझे परेशानी होती है जब इन्वेस्टिगेशन में तुम बिना बताए दखल देने लगती हो, तब एना ये सब खतरनाक है और मैं चाहता हूँ कि ये सब रुक जाए।
मुझे डिटेक्टिव बनने का कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तुम इस शहर को छोड़कर क्यों नहीं चली गई एना? जरूर, इससे तुम्हें मौका मिल जाता कि तुम आराम से नीना से प्यार करो। तुम खुद को भूल रही हो एना। नहीं, तुम खुद को भूल रहे हो याकूब। तुम जानते हो तुम मुझसे बदतमीजी से पेश आ रहे हो और मुझे लगता है तुम ये जानबूझ के कर रहे हो। ये सच नहीं है। नहीं, तुम चाहते थे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, इसीलिए तुमने ये सब कुछ किया। एना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तुम्हारा यही मतलब था। वैसे तुम्हें जाना चाहिए और नीना को भी तुम्हें अपने साथ लेकर चले जाना चाहिए याकूब प्लेटनविच। और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं यहाँ पहले आई थी। चले जाओ तुम। तो मुझे माफ नहीं करोगी? कभी नहीं।